सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिलने जा रहे हैं भाई सौरभ जोशी से। तो काफ़ी दिन से मैं और एक मेरा दोस्त अमन, तो हम लोग काफ़ी दिन से सब लोगों को बोल रहे थे कि सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ आने वाला है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहे थे, सबको बताए जा रहे थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो है मतलब हमसे पूछने की कोशिश करी कि क्या सरप्राइज़ है भाई, क्या सरप्राइज़ है। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, काफ़ी लोग कॉल्स भी कर रहे थे, तो भाई हम लोगों ने किसी को नहीं बताया। और कुछ ही लोग होंगे जिनको हम लोगों ने बता रखा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को हमने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न था, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हम लोग मिलने आ रहे हैं सौरभ जोशी से, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो सौरभ जोशी से हम पर्सनली मिलने आ रहे हैं। वो उन्होंने मतलब हमको आगे से इनवाइट किया है, और वो किस लिए इनवाइट किया है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, वो आप लोगों को वीडियो में आगे पता पड़ जाएगा। और वीडियो को एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है और एक प्रॉपर व्लॉग होने वाला है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, जब सौरभ भाई मैसेज करेंगे तब हम लोग यहाँ से नोएडा के लिए निकल जाएंगे। और अभी हम लोग घर पे हैं और उनका मैसेज बस आने वाला, उन्होंने कहा था 12-1 बजे तक आ जाएंगे, तो अभी 11:30 बज गए, थोड़ी बहुत देर में आने वाले होंगे और मैसेज आ जाएगा, फिर हम लोग निकलेंगे नोएडा के लिए। या तो यहीं बुला लेंगे उन्हें अपने हाईवे पे, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भाई सरप्राइज़, क्या तगड़ा सरप्राइज़ है भाई, मज़ा आने वाला है। वैसे आज वाले व्लॉग में सौरभ भैया, कल वाले व्लॉग में दिखा होगा, इन लोगों ने सौरभ भैया ने अनाउंस भी कर दिया है कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले। उन्होंने बताया तो नहीं है किसको मिलना है, लेकिन वो हम ही हैं। तो भाई वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं और एक एक मिनट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक मिनट एक घंटे के बराबर, और ये यहाँ पर रील देख रहा है और बहुत ज़्यादा क्या करें भाई, दिमाग खराब हो ही नहीं रहा, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो जाए कोई जादू वादू करके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है हम लोग। लोगों के मैसेज आते आ रहे हैं कि क्या आज आने वाला था, अभी आया नहीं क्या, तो हम रिप्लाई देते देते परेशान हो गए। इंतजार करो, रुको जरा, सब्र करो भाई। मैं मतलब ये व्लॉग तो एक दिन बाद में आएगा, लेकिन जो मैं पोस्ट कर दूँगा उन लोगों को बता दूँगा कि क्या सीन है। और अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं कहाँ मिलते हैं, शायद नोएडा मिलेंगे हम लोग, और नोएडा में पता नहीं कहाँ। और कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा मैं भी, और हाँ कैसा लगा सरप्राइज़ ये भी ज़रूर बताना भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको भी हम लोगों को भी भाई, बहुत ज़्यादा मैसेज। कुछ लोग तो हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे, कह रहे थे कोई सरप्राइज़ नहीं, तुम बस ऐसे टाइम पास करते रहते हो, लेकिन उन्हें हम दिखाएंगे, अब हमने बोला तो नहीं, लेकिन सब्र करो, सब पता चल जाएगा धीरे। तो भाई ये जो वीडियो है मतलब ये जो व्लॉग है वो तीन जगह आने वाला है, एक तो इसके चैनल पर और एक मेरे चैनल पर। इसका चैनल है बुलंद गाय, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मस्त मस्त वीडियो आने वाली है उस पर भी फ्यूचर में। और मेरा एक चैनल है इडियट बंदर, जिस पर आप ये व्लॉग देख रहे हो, और उस पर भी ये वीडियो आएगी मतलब व्लॉग। और एक सौरभ जोशी भैया के पर, उनका थोड़ा अलग होगा और इसका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा, तीनों का अलग होगा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज फाइनली वो टाइम आ गया जब हम सौरभ भैया से हम मिलने आ रहे हैं। सौरभ भैया का मैसेज अभी अभी आया है, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। और गाइज मतलब बहुत नर्वसनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं सौरभ भैया के सामने हमारी कोई बेइज्जती ना हो जाए, तो हम जा रहे हैं। और हाँ गाइज, आपको आज एक बात और बतानी है कि आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, तो बोलो जय श्री श्याम। तो गाइज हमारा खाटू श्याम जी जाने का भी प्लान था, लेकिन भाई सौरभ भैया का मैसेज आ गया, तो इसी वजह से हम नहीं जा पाए। और बहुत जल्दी जाएंगे, और भी अच्छे अच्छे सरप्राइज़ आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ बस खाटू श्याम जी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और हमें तरक्की कराए। सौरभ भैया का मैसेज आ चुका है और अभी हम लोग रास्ते में और निकल चुके हैं अपने घर से। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 62 और सौरभ जोशी भैया का मैसेज आ चुका है, और अभी हमने कैब बुक कर दी और कैब आने वाली है, तो थोड़ी बहुत देर में कैब आ जाएगी। अभी हमें सेक्टर 62 और भैया ने हमें कहीं बुलाया, हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आपको अभी कैब आने वाली है, तो कैब को ड्राइवर का कॉल आ गया। गाइस मैं बात करके आपसे बात करता हूं। 2072 तू ही बता दियो, 2072। तो भाई जहाँ हमें आना था हम वहाँ आ चुके हैं, और अभी भैया का फ़ोन आया था कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो अभी इंतज़ार करते हैं और आने वाले हैं। भैया काफ़ी एक्साइटमेंट लेवल यार हाई हो रखा है हमारा, और अब तो और ज़्यादा नर्वस है। सो भैया पता नहीं क्या, आपको दिखा नहीं सकते आसपास में क्या माहौल है, क्योंकि रिवील नहीं कर सकते ना भैया के लोकेशन, हम नहीं रिवील कर सकते ऐसे।
तो अभी आ रहे हैं वो और फिर आपको मिलवाते हैं भाई, जिस चीज़ का इंतजार था वो होने वाला है गिव अवे देने का हमारे सब्सक्राइबर को, पंकज भाई को। तो कांग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू। साथ में ये चॉकलेट भी है। अनबॉक्सिंग अभी करोगे या बाद में करोगे? अभी कर दें, यहीं पर रखिएगा। तो अभी तो भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने न्यू लैपटॉप की। पढ़ाई करते हो? नाइन्थ क्लास में आओ भाई। नाइन्थ क्लास में कितने साल के हो? मैं 15 साल। कितनी पढ़ाई करते हो? फैमिली कहाँ रहती है? ये रहती है। भाई थोड़ी खुशी दिखाओ मुझे यार, थोड़ा यार नर्वस हो रहे हो क्या भाई? थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। अब बताओ आप सही है? नर्वस हो रहे आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप है और फुल टच स्क्रीन है और बाकी मैं दिखाया खोल के दिखाया खोल के दिखाई है। इसमें चार्जर वगैरह सब नीचे है इसका, ठीक है। इसमें आपको अपनी आई डी डालनी पड़ेगी। हाँ, इसे टैब की तरह यूज़ है। हाँ, टैब भी एक है, इसको टैब की तरह यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरह से कर देना, पूरा फोल्ड आ गया, पूरा फोल्ड होगा। फिर इसके ये काम नहीं करेंगे, फिर आप टैब की तरह यूज़ कर सकते हो ये सब। इसको आप आपके पास कौन सा फोन, एंड्रॉयड है या एंड्रॉयड में कनेक्ट कर सकते हो? हाँ, फिर मतलब मस्त काम करेगा, सारे ऐप्स वगैरह काम करेंगे। ऑपरेटर से कनेक्ट कर लेना, यहाँ से आपको फोन दिखाते हैं। यहाँ पे ठीक है, फाइनली क्या नाम आप देंगे? इडियट बंदा। तो गाइस पंकज भाई से मिले काफ़ी अच्छा लगा। इडियट बंदा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई की वीडियोस देखो। एंड कंग्रेचुलेशन आपको फिर से कंग्रेचुलेशन। सही है, अभी 9th क्लास में है तो उसके लिए सही है ना। अभी 10th में होएगा तो और भी अच्छा रहेगा। 11th 12th में बहुत स्कूल के लिए अच्छा है। कुछ दिन पहले मम्मी से कह रहा था लेकिन फिर मम्मी दिला नहीं पाई। अरे मम्मी ने दिला भाई, चलो अब मस्त एडिटिंग करना सीखना। बस एडिटिंग सब कुछ चलेगा आपका, फोन से जाए तरह की और फोन से कनेक्ट होगा, सब कुछ चलेगा, सब चलेगा, सारे ऐप चलेंगे, ठीक है। एक थंबनेल अच्छा था। हाँ हाँ, गाड़ी भी आई, ये भी लैपटॉप भी दिखा, हम दोनों भी दिखा। यहाँ तो नहीं लगेगा, जब मैं एंगल लगेगा हाथ हाथ में लेकर। हाँ, हाथ में ले लो। मैं भी आया हूँ, देख लेंगे ठीक है, देख लेंगे। मैं तो कहूँ ये अभी चलना है, कुछ खाने के लिए चलना है, भूख लग रही है, देख लो चलना है तो चलो पक्का। ये चलते हैं, बैठ के कुछ खा सकते हैं। बताओ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। बताओ जी, आप देखो मेरे पास तो टाइम है, मैं आपके लिए टाइम निकाल के ले आऊँगा। चले आप गाड़ी में कैसे गाड़ी में चले चलो क्या नाम है आपकी जगह?
तो गाइस बुलंद भाई को सब्सक्राइब करो, भाई की सारी वीडियोस देखो। थैंक यू। वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। हाउ टू यूज स्कोप क्रोम, ठीक है, टू कनेक्ट विद फोन, देख लेना। हाय यार, इधर सही है। तो गाइस अभी सौरभ भैया कहीं गए हैं और यहाँ पर हमें बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। भैया ने हमसे पूछा क्या खाना है, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम लस्सी वगैरह मंगी, लस्सी वगैरह, और अभी वो आ रहे हैं और ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही कैमरा खोलने की। जितना है देख लो उतना काफ़ी। बाकी तो आप भैया के व्लॉग में देख रहे हैं, भैया शूट कर रहे हैं, हमें तो लेकिन अजीब सा लग रहा है। तो गाइस सौरभ भैया से मिलके आ गए हैं और सौरभ भैया ने मतलब लगने नहीं दिया कि हम सब्सक्राइबर हैं। हाँ। अपने मतलब भाई की तरह करा ट्रीट। हाँ। बहुत मतलब बहुत दिल से अच्छे थे सौरभ भैया और हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करा। पूछा क्या खाओगे क्या नहीं, और गिफ्ट्स भी दिए हैं हमें और लैपटॉप तो है जो हम गिव अवे में जीते हैं। बड़ा अच्छा लगा। और सौरभ भैया ने कैब बुक करी है अभी, तो अब हम जा रहे हैं घर पे। तो मैक्सिमम 1-1.5 घंटा हमने उनके साथ स्पेंड करा है।